जी तो सीएम में इंटरमीडिएट वाले सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारा पेपर नंबर 2 है उसको लेके कोई ना कोई वीडियो लेके आइए। हालांकि मैं पहले मना कर रहा था कि मैं इसका कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना मैं इसको पढ़ाता हूँ, तो आप मुझसे स्ट्रेटजी मत लेके आइए, मतलब आप किसी प्रोफेशनल टीचर की स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। लेकिन सारे बच्चों ने कहा कि नहीं सर आप क्या नाम है स्ट्रेटजी लेके आओ, हमें नहीं पता। तो मैं आपके लिए स्ट्रेटजी लेके आया हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी क्या होती है वो बताऊंगा, पेपर पैटर्न किस तरीके से होने वाला होता है वो बताऊंगा, तीसरी चीज थ्योरी कैसे, कौन से क्वेश्चन नंबर में कितने मार्क्स की आती है ये बताऊंगा, चौथी चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए क्या करना है ये बताऊंगा, और पांचवी चीज बताऊंगा आपको कि पार्टनरशिप को कैसे तैयार करना है। पार्टनरशिप का बड़ा डर होता है सर, पार्टनरशिप से 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा क्या होगा, कौन कौन से चैप्टर ऐसे जिससे 14 नंबर के क्वेश्चन आने की जरूरत है, ऐसी कुछ ढेर सारी बातें आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं मैं बहुत सारे एनालिसिस के बाद। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी लाइक कर दो, अभी देखने से पहले लाइक कर दो कि सर मजा आ गया, मतलब वीडियो लेके आया, कम से कम धन्यवाद बोलो कि हाँ आपकी बात मैंने मानी है। तो मैं अब आपको बताता हूं, पहले शुरू करता हूं कि सर कैटेगरी ए बी सी से शुरुआत करता हूं आज मैं, है ना। थंबनेल कैसे लगा, ओ इंट्रो कैसे लगा ये भी बताना। पहले जो आप शुरुआत करेंगे सर फाइनल अकाउंट्स की बातें करेंगे हम आपसे, सर फाइनल अकाउंट्स आपको करना ही करना है, फाइनल अकाउंट्स को सारे बच्चे ध्यान देंगे, 7 नंबर में अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है और 14 नंबर में भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसका मतलब है कंबाइंड भी आ सकता है, तो भाई टोटल मिला के 21 नंबर के लिए भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो कोई भी बच्चा फाइनल अकाउंट्स तो ना छोड़ के जाए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज आपको अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पूछा जा रहा है आपसे लगातार, तो दूसरा चैप्टर ये आप करके जाएंगे और कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एनपीओ, काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, एक बार उन बच्चों से बात कर लूंगा कि सर कॉस्ट की स्ट्रेटजी ले आओ, टैक्स की स्ट्रेटजी ले आओ, तो मेरे मुन्ना मेरे चुन्नू बात सुनो मेरी, कॉस्ट की भी ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी मैं आपको डाल चुका हूं, आज अकाउंट्स लास्ट था ये, मतलब कॉस्ट की भी आ चुकी है, इनकम टैक्स की भी आ चुकी है, जीएसटी की रिवीजन स्ट्रेटजी आ सकती है और लॉ की भी आ चुकी है, और खाली रिवीजन स्ट्रेटजी नहीं, मैंने आपको जीएसटी की रिवीजन वीडियोस भी बोला है फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए, इनकम टैक्स की रिवीजन वीडियोस भी बोला है फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए, और मेरे मुन्ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी रिवीजन फुल ऑफ पूरा फुल फ्लेज रिवीजन सुपर फास्ट तरीके से, प्लस उसके नोट्स भी फ्री मैंने बोला है। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो भाई इस नंबर पे अपना नाम, अपना स्टेट, अपना कोर्स और अपनी क्वेरी में लिख देना कि भाई हमने आपके चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, ये पकड़ो स्क्रीनशॉट, ये देखो हमने वीडियो को भी लाइक किया हुआ, ये देखो हमने कमेंट भी किया हुआ है, और हमें सारा माल मटेरियल दे दो, आप क्या नाम है क्वेरी में लिख देना ऑल मटेरियल, है ना, ये लिख देना। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आपको उसके अकॉर्डिंग नोट्स के लिए आपको मैसेज कर देना है, अलग अलग से भी कर सकते हैं। मैं आ जाता हूं वापस से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, एक बार और बात बता दूं मैं आपको, चलो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, बढ़िया बात है। फाइनल अकाउंट्स ठीक है सर, आपने बता दिया इनकम्प्लीट बता दिया। एनपीओ के सर, एनपीओ से 14 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, हाँ बेटा हाँ, 14 नंबर का भी क्वेश्चन आपसे एनपीओ के लिए पूछा जा सकता है, तो कोई बच्चा एनपीओ भी छोड़ के रह जाए, सबकी दिक्कत उसमें होती है पार्टनरशिप में, तो वो बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट हायर परचेज आपको पता है कि बड़ा सिंपल चैप्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आपको करने हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसके बहुत ज्यादा घुमाते नहीं है, कंसाइनमेंट में भी ज्यादा दिक्कत नहीं करते, दिक्कत कहां करते सर फाइनल अकाउंट्स में, सर एनपीओ में और पार्टनरशिप में या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, चार चैप्टर में आपकी ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, एग्री करना मुझसे अगर क्या नाम है आप, लगता है आपको मैं सही कह रहा हूं। फिर जो 7th पॉइंट में मैंने चैप्टर रखा है ना, वो है कि जिन बच्चों को पार्टनरशिप बढ़िया तरीके से आती है, देखो आपने 11th में 12th में पढ़ी पहले, फिर फाउंडेशन में पढ़ी आपने, फिर अब इंटरमीडिएट में हो, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि पूरे इंटरमीडिएट का लेवल एक साथ ही सारे क्वेश्चन में सारे एडजस्टमेंट पूछ लेंगे, कभी-कभी बेसिक क्वेश्चन भी आ जाता है। तो पहले तो मेरी आपको सलाह यह है कि अगर आपको पार्टनरशिप आती है तो फुल फ्लेज तरीके से करिए, दूसरी सलाह मेरी यह है आपको इंटरमीडिएट के बेसिक क्वेश्चन कर लीजिए आप पहले, मतलब बेसिक की अगर एग्जाम में मुश्किल नहीं आया, सिंपल क्वेश्चन आ गया, तो एटलीस्ट वो तो प्रैक्टिस कर ले, हम जो 12th और फाउंडेशन के ऊपर बेस्ड है, तो प्लीज बच्चे आप वो करके चले जाइएगा। और जिन बच्चों को पार्टनरशिप में कोई भी दिक्कत लगती है तो भाई आप एएस करके चले जाइएगा, सर एएस तो बहुत सारे हैं, हाँ बच्चे एएस बहुत सारे हैं, लेकिन 3 एएस आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे मेरी रिक्वेस्ट पे, 2 क्वेश्चन एएस से आने ही आने हैं, अभी पेपर पैटर्न दिखाऊंगा आपको, एएस 10, एएस 11 और एएस 16 में से आपको गारंटीड है कि एक ना एक एएस का आपको क्वेश्चन जरूर दिख जाएगा 7 नंबर में, ठीक है, हो सकता है इन्हीं में से दोनों में से तीनों में से कोई 2 आ जाए। फिर सर कैटेगरी बी में आपने क्या डाला है, मैंने कहा जॉइंट वेंचर, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और डेप्रिसिएशन, इसके अलावा कोई चैप्टर बच गया तो उसे अदर्स की कैटेगरी में डाल देना, ठीक है सर। अब हमें पेपर पैटर्न बताओ एक बार, देखो पेपर पैटर्न क्या होता है, देखो मैंने जो एक क्वेश्चन नंबर लिखे है उसके सामने चैप्टर लिखे है, इन चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस कैटेगरी के चैप्टर्स है, मतलब कैटेगरी मतलब ये कौन से पार्ट में गिवन है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहीं पर लिखा हुआ है आपका, किसी क्वेश्चन के अंदर मैंने लिखा हुआ इंश्योरेंस का क्वेश्चन आएगा, तो ये उस अटेम्प्ट के हिसाब से है, इसका मतलब आपके एग्जाम में ब्रांच भी आ सकता है, हायर परचेज भी आ सकती है, तो
स्लैश डाल के चलिएगा कि जरूरी नहीं कि जहां मैंने ब्रांच लिख दिया वहीं आएगी, ब्रांच वहां पर भी आ सकती है, हायर परचेज दूसरी जगह आ सकती है, तो मतलब इंटरचेंज हो सकता है। तो आप इस चीज को इस तरीके से देखेंगे सर, पेपर पैटर्न आपका इस तरीके से रहने वाला है। पहला क्वेश्चन सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन का आएगा। डेप्रिसिएशन का मतलब डेप्रिसिएशन चैप्टर जिस रेंज में है, जिस मॉड्यूल में है आपके, उसमें से कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है। फाइनल अकाउंट लिख दिया मैंने यहाँ पे, ज्वाइंट वेंचर हायर परचेज सर 7-7 नंबर के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। आप तो कहते हैं 14 नंबर के आपके पास दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपसे या तो फाइनल अकाउंट या एनपीओ से पूछा जाएगा, और एक तो 110% गारंटी है कि एडमिशन से ही आता है, मतलब एडमिशन वाले पार्टनरशिप में एडमिशन लिखा है, यहां पर एडमिशन कम रिटर्न है लेकिन पार्टनरशिप बोल सकते हो आप इसको। 14 नंबर का चौथा और पांचवा क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। इंटरचेंज हो सकता है कि एनपीओ फाइनल अकाउंट इधर आ जाए और एडमिशन कम रिटायरमेंट ऊपर चला जाए। फिर से डिपार्टमेंट और इंश्योरेंस मैंने यहां पर लिखा है। फिर जो 7th क्वेश्चन होगा आपका, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, पूरा का पूरा 7th क्वेश्चन एएस बेस्ड होगा, मतलब ए पार्ट भी उसका एएस होगा और बी पार्ट भी उसका एएस होगा। तो इसकी आपको तैयारी करनी है। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एएस 16 भी आप साथ में करके चले जाएंगे, या और जो जो आपके टीचर्स ने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं वो जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन आता है थ्योरी। सर अकाउंट्स में आप हमें कौन से चैप्टर, कौन से रिविजन टॉपिक देने वाले हो? भाई अकाउंट्स में पढ़ाता ही नहीं हो तो मैं कहां से आपको किसी चैप्टर में मदद कर पाऊंगा और कैसे आपकी रिविजन करा पाऊंगा? लेकिन मैं आपके लिए थ्योरी की वीडियो जरूर ला सकता हूं कि जो बच्चे कहते हैं कि सर मतलब बहुत सारे चैप्टर्स है कर ही लेंगे, लेकिन अगर हमारे में गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए या आंसर नहीं आ रहे, तो हमारे लिए थ्योरी के लिए बैकअप करा दो आप। तो मैं थ्योरी के लिए कोई ना कोई वीडियो डेडिकेटेड जरूर लेके आऊंगा। एएस के लिए भी अगर आपको चाहिए कि सर एएस की कोई डेडिकेटेड वीडियो लाइए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में कमेंट में बहुत सारा प्यार दिखाना, क्यों मैं आपको बताता हूं। देखो खास बात क्या है, आपको मैंने बोला लास्ट में बताऊंगा। खास बात यह है कि भाई हमारी 10,000 की फैमिली पूरी होने वाली है, और जितने भी बच्चे सीएमए इंटरमीडिएट की इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत लॉयल स्टूडेंट्स हैं मेरे सीएमए वाले बच्चे। लाइक टारगेट रेशियो हमेशा बाकी अदर जितने भी मैं वीडियो डालता हूं सारे बच्चों से ज्यादा रहता है, सारे बच्चों से कमेंट भी ज्यादा रहता है आपका। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। और कल होपफुली हमारे साथ 40-50, 30-40 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, आई होप आप उसे आज की ही डेट में पूरा करा देंगे। कल हम 10K की सेलिब्रेशन करेंगे। अब क्योंकि आप दूर हो तो मैं आपके साथ नहीं कर सकता, लेकिन आपके लिए सरप्राइज जरूर ला सकता हूं। तो जैसे 10K होगा मैं आपको अनाउंस करूंगा कि मैं आपको अगले 2-3 महीने में आपके पेपर से पहले कौन कौन सी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे लाके दूंगा मैं आपको, सभी सीएमए वाले बच्चों के लिए। जो सीए वाला बच्चा देख रहा है वो भी कमेंट कर दे कि हम भी रह गए थे, आप भी बता सकते हैं। लेकिन सीएमए वाले बच्चे दिसंबर 2024 के लिए, चाहे उनको कॉस्ट में प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स में, जीएसटी में, लॉ में, जिसमें बोल देंगे उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पूरे स्टडी मैट को सॉल्व करके मैं आपके पूरे चैनल पर डाल दूंगा। ग्रुप 1 के लिए भी हो सकता है, ग्रुप 2 के लिए भी हो सकता है। तो वीडियो को पूरा लाइक प्यार दिखाइएगा इस वीडियो पे। चलो हम एम करते हैं कि आप मेरा 500 लाइक्स इस वीडियो पे पूरा कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो एक टारगेट मैंने आपको दिया, देखते हैं पूरा होता है या नहीं होता। बाकी इस पैटर्न पर आप बच्चे स्क्रीनशॉट लेके कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ये सारी चीजें मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूं। रिप्लाई करने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, उसके लिए थोड़ा सा क्लासेस भी होती है, और क्या नाम है, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, कभी रिमाइंडर डाल दीजिएगा, लेकिन आपको रिप्लाई 110% हो जाएगा। अगर कोई मिस हो जाए तो प्लीज रिसेंड कर दीजिएगा मैसेज को, ताकि वो ऊपर लिस्ट में आ जाए। तो मिलता हूं आपसे अगले कल, जब मैं आपको मिलूं तो हम 10,000 की सब्सक्राइबर की फैमिली पूरी हो जाए। बंपर धमाकेदार ऑफर्स के साथ आऊंगा मैं आपके लिए, कि क्या क्या मैं आपके लिए लेके आऊंगा। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि सर सून 10K फैमिली कांग्रेचुलेट कर सकते हैं एडवांस में, और दूसरी चीज आपको क्या चाहिए बंपर ऑफर में कि सर 10K फैमिली हो जाएगी तो हमारे लिए क्या लेके आओगे आप, गिव अवे क्या करोगे, कुछ भी, तो वो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलता हूं आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अकाउंट्स के लिए पक्का थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि भाई मेरा इसमें बड़ा दिमाग खर्च हुआ है, अकाउंट्स में पढ़ाता नहीं हूं, तो थोड़ा सा एनालिसिस करने में समय वेस्ट होता है और समय भी जाता है, मतलब वेस्ट क्या होता है। तो मिलता हूं आपसे अगले कल, जब हम पूरे 10,000 की सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी हो चुके होंगे। मिलता हूं अगले धमाकेदार ऑफर्स के साथ। ऑल द बेस्ट।